बता दें, देश में बच्चों और नाबालिगों के यौन शोषण से बढ़ते मामलों के मद्देनजर सरकार द्वारा वर्ष 2012 में पॉक्सो एक्ट लागू किया गया था, ताकि बाल यौन शोषण की घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। ये काफी गंभीर कानून है। एक बार दर्ज होने के बाद इसमें काफी तेजी से कार्रवाई करने का प्रावधान है। इस एक्ट को महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2012 में बनाकर लागू किया गया था। पॉक्सो एक्ट में दर्ज किसी भी शिकायत को वापस नहीं लिया जा सकता है। इसकी पूरी एक प्रक्रिया है। सुप्रीम कोर्ट हमेशा से पॉक्सो एक्ट में दर्ज मामलों को लेकर न केवल गंभीर रहा है, बल्कि सख्ताई बरतने के भी पक्ष में रहा है। अब हम जानेंगे कि पॉक्सो एक्ट की शिकायत कैसे वापस होती है। पॉक्सो एक्ट का मामला सीधे सेशन कोर्ट में जाता है। यहाँ जज या अतिरिक्त जज के सामने पीड़ित को कहना होता है कि उनसे गलत शिकायत दर्ज की, वह शिकायत वापस लेना चाहता या चाहती है। फिर ये जज के विवेक पर निर्भर करता है कि वो इसमें क्या करते हैं। आमतौर पर यही वो एकमात्र जगह है जहाँ पुलिस में पॉक्सो एक्ट में शिकायत दर्ज होने के बाद वापस हो सकती है, लेकिन अगर जज चाहे तो मामले को आगे भी बढ़ा सकता है।